मैं आपको सोच के बताऊंगा, ये सब करके मैंने छोड़ दिया, मैंने ये सब ट्राई कर रखा है, सिर्फ ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्शन आपको भी सुनने को मिले होंगे ना। सो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाली हूं, अगर आपके पास ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं, मेरे बताए हुए तरीके को अगर आपने फॉलो कर लिया 110%, जो आपको बोलते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्शन देते हैं वो ही आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे, गारंटी से कह सकती हूँ। बट उसके लिए गाइज आपको क्या करना है, जो चीजें मैं आपको बताऊँ ना, प्रॉपर तरीके से सुनना भी है, नोटबुक में नोट डाउन भी करना है और चीजों को अप्लाई भी करना है। अगर ना रिजल्ट मिले तो कहना। देखो गाइज होता है क्या है ना, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इस फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन तो आपके पास आएंगे। काफी सारे मेंबर्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन से पीछे हटते हैं। अरे पीछे मत हटो, इन ऑब्जेक्शंस को फेस करो, क्योंकि जब आपने भी वर्क स्टार्ट किया था ना, आपने भी अपने स्पॉन्सर को, जिसके भी साथ आपने वर्क स्टार्ट किया था, ये ऑब्जेक्शंस दिए थे कि यार चलो बताता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ अभी। वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाउट सभी के होते हैं, क्या सच में मैं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, लीड्स आपको ये ऑब्जेक्शन देती क्यों है, ये बात बोलती क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके डाउट रहता है, ट्रस्ट इशू रहता है कि सच में हम कर सकते हैं क्या, क्या हमारा पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, ये फैक्ट चीज है। बट अगर आपने उनको ये रियलाइज करवा दिया कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, अगर उनको ये रियलाइज करवा दिया कि हमको ट्रस्ट करना चाहिए इनके ऊपर, वो डेफिनेटली आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा लीड्स बोलती है, हम सोच के बताएंगे। देखो गाइस, लेट सपोज आपके पास लीड्स आई, आपने उसको अच्छी तरीके से प्लान समझा दिया, अच्छी तरीके से मोटिवेट कर दिया, बट लास्ट में उसका आंसर आता है कि सोच के बताऊंगा। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नंबर वन, उनको स्टार्ट करने का बेनिफिट बता दो कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, इस मतलब लालच एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ आपको ये मिल सकता है। दूसरा लॉस कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना तो आपका कितना बड़ा लॉस है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, सिचुएशन को रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो गाइस, लोग पाने से ज्यादा खोने से डरते हैं, समझ रहे हो, लोग पाने से ज्यादा खोने से डरते हैं। एग्जांपल से समझाती हूँ, लीड आपके साथ वर्क स्टार्ट क्यों नहीं करती, उसका रीजन ये है उनको पाने से ज्यादा खोने से डर लगता है कि हम नहीं कर पाए तो, हमारा पैसा लॉस हो गया तो, मतलब हमको कुछ नहीं मिला तो, ठीक है, वो नेगेटिव पॉइंट्स पहले देखते हैं। तो आपको भी नेगेटिव पॉइंट को पहले हाईलाइट करना है कि अगर आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया तो, और कैसे रिलेट करना वो बताती हूँ आपको। एक देखो, सारे सिचुएशन को एग्जांपल से रिलेट किया करो कि देखो बड़ी, आप एक साल पहले भी वहीं थे जहाँ पे अब हो, और अभी भी आप वहीं हो, और एक साल बाद में भी आप यहीं रहने वाले हो। आपने अपनी लाइफ में चेंज क्या किया, इट मीन्स आप अपनी लाइफ को बस धक्का स्टार्ट गाड़ी की तरह चला रहे हो, ना इसमें कुछ रेस है ना इसमें कुछ स्पीड है, मतलब जो आपको लाइफ में चाहिए ना वो अच्छी तरीके से ना आपको मिल पा रहा है। सो और सिचुएशन से कैसे रिलेट करना है कि देखो बड़ी, लेट सपोज, बुरा मत मानना मेरी बातों का, आपके घर में आज किसी की तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर को देने के लिए 50-60 हज़ार रुपये की नीड है, आप क्या करोगे। सिंपल सी प्रोसेस है, आस पड़ोस को कॉल करोगे या फिर फैमिली मेंबर को किसी को कॉल करोगे, इतने पैसों की नीड है। अगर उसने मना कर दिया तो आप सोचोगे कि काश ये पैसा मेरे पास होता तो आज मैं भी लगा चुका होता, किसी से मेरे को पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइज, लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका पैसा आपके काम डेफिनेटली आएगा, बट अगर वो आपके पास रहेगा तो लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट नेसेसरी है। हमारा प्लेटफॉर्म पे अगर आप स्टार्टअप करते हो ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इन फ्यूचर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगी ही मिलेगी, आपको पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। ये आपने उसको बता दिया लॉस, ना स्टार्ट करने के क्या लॉसेस है, फिर उसको बेनिफिट बताओ कि देखो बड़ी, स्टार्ट करते हो ना महीने का इतना कमाओगे हमारे साथ मिलके। सेकंड चीज, उसको तो एग्जांपल से रिलेट करो, आप उसको किसी पर्सन की स्टोरी बता सकते हो कि ये पर्सन है, आप ही की तरह थे, ठीक है, आप क्या किया करो, आपके पास फीडबैक वीडियोस होने चाहिए बहुत सारे, ठीक है, मतलब उन्हीं के एज ग्रुप के काफी सारे फीडबैक वीडियोज आपके पास होना चाहिए। ऑन कॉल उसको भेजो कि आप व्हाट्सएप पे आओ, एक वीडियो भेजता हूँ, ये आप ही की तरह थे, इन्होंने जब स्टार्ट किया था ना यही बोला था कि मैं सोच के बताऊंगा, आज आप इनको देखिए लाइव, इनको आप लाइव देखिए कितना फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, हर महीने ट्रिप पे जाते हैं, हर महीने अपने अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब चाहे जब काम कर सकते हैं, जब चाहे जब घूम सकते हैं, फिर सकते हैं,
आप ही की एज ग्रुप के हैं, बट इनमें और आप में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि इन्होंने एक्शन ले लिया और आप एक्शन लेने से डर रहे हो। इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट करो गाइस, अर्जेंसी क्रिएट। और सेकेंड थिंग, आप उसको कुछ ऑफर दे सकते हो कि देखो बड़ी अभी स्टार्ट करते हो, कोर्सेज की प्राइस ये है, बट इन फ्यूचर अगर स्टार्ट करोगे ना, इन्हीं कोर्सेज की प्राइस बढ़ने वाली है क्योंकि प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है। इन कोर्सेज के प्राइस स्टार्टिंग में यही थी, बट अब ये प्लेटफॉर्म इसको अपग्रेड करने वाला है, प्राइस को अपग्रेड करने वाला है, तो यू हैव अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी विद दिस प्लेटफॉर्म। इस तरीके से क्रिएट करके देखो। सेकंड ऑब्जेक्शन कि ये सब तो मैंने ट्राई कर रखा है, काफी लीड आपको ये भी बोलते हो कि ये सब तो मैंने कर रखा है ऐसे करके, सो उसमें आपको किस तरीके से इसको टैकल करना है कि बड़ी देखो ट्राई एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, या तो करो या फिर मत करो, ठीक है। आपने क्या जब स्टार्ट किया था ना, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे बैकअप ऑप्शन होंगे, तो जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया था, बैकअप ऑप्शन ऑलरेडी थे, काम थोड़ा बहुत किया स्टार्टिंग में, आपने रिजल्ट के लिए आप वहां पे गए होंगे कि मैं स्टार्ट करूंगा तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, तो वो रिजल्ट आपको स्टार्ट करते आया नहीं और आपने क्विट कर दिया, यही हुआ था ना, क्योंकि आपने जो कर रखा है वो अभी मैं कर रही हूँ। डिफरेंस क्या है, मैंने कोई बैकअप ऑप्शन नहीं सोचा कि नहीं मेरे पास बैकअप ऑप्शन बहुत सारे रखे हैं, और मैंने दिल जान लगा के यहाँ पे काम किया, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड चीज उसको ये पूछो कि आपने पहले किया कहाँ था, वो बोलता है कि मैंने ट्राई कर रखा है, तो आप उसे पूछो आपने ट्राई कर कहाँ रखा है, वो बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग। बड्डी ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, इट्स अफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पे प्रमोशन के थ्रू आप तगड़ा पैसा कमा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो, पूरा सिस्टम ऑनलाइन चलता है, ऐसा नहीं आपने इसको जोड़ा उसने उसको जोड़ा उसने उसको जोड़ा, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, इट्स अफिलिएट मार्केटिंग। ये तो डिफरेंस है, जब लोगों को नॉलेज नहीं होता ना वो हर कुछ बोल देते हैं, तो प्लीज आप पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानिए, ऐसे जजमेंट मत करिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आप उसको देखो और भी काफी सारी तरीके से रिलेट कर सकते हो, बंदा बोलता है कि मैंने ट्राई कर रखा है, बट ये आपने सिर्फ ट्राई किया, काम तो किया ही नहीं था, अगर आप काम करते तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता, ठीक है। फिर आप उसको जो लास्ट वाला प्लेटफॉर्म है उसके बारे में पूछो, देखो बड़ी हो सकता है आपको मेंटोर सही नहीं मिला हो, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं किया हो, इसकी वजह से हो सकता है आपकी इनकम नहीं हुई हो, बट टेंशन मत लो, इफ़ यू स्टार्ट टू जर्नी विथ मी आई विल फुल्ली सपोर्ट यू। ऑन द कॉल आपको फीडबैक्स भेजने हैं कि देखो इन्होंने मेरे साथ वर्क स्टार्टअप किया था इनका ये रिजल्ट है, इन्होंने मेरे साथ वर्क स्टार्टअप किया था इनका ये रिजल्ट है, ऑन कॉल रह के फीडबैक्स, क्योंकि देखो फीडबैक बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नंबर थर्ड ऑब्जेक्शन, सिर्फ ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, फिर आप उसको रिलेट करो गवर्नमेंट जॉब से कि बेटी गवर्नमेंट जॉब थोड़े ना कि एक पर्सन को मिल गई तो वही सीट किसी दूसरे पर्सन को नहीं मिलेगी, ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। आप जितनी मेहनत करोगे ना, जो टॉप अर्नर रहेगा उससे भी ऊपर जा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपकी मेंटेलिटी हो चुकी है कि ऊपर के लोग पैसा कमाते नीचे की नहीं कमाते, अरे वो भी तो किसी टाइम पे नीचे ही थे, वो भी तो धीरे धीरे स्टेप लेके ऊपर गए हैं, ठीक है। तो आप स्टेप लेके क्यों ऊपर नहीं जा रहे, उसका रीजन ये है कि आपकी मेंटेलिटी बन चुकी है बड़ी कि ये ऊपर के लोग पैसा कमाते, ऐसा नहीं है, आप चाहो आप भी ऊपर जा सकते हो, ऐसा तो है नहीं वो लिमिटेड सीट है कि उनको मिल चुकी है वो उस सीट पे बैठ चुके हैं, ठीक है। सीटें बहुत सारी है, बस सीटें अपनी बनानी पड़ती है, आप खुद बनाओगे। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब थोड़े ना है कि भाई हमारे पास इतनी सीटें है, इसके अलावा आप इस पे बैठ नहीं सकते, इसके अलावा आप यहाँ पे लग नहीं सकते, ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है ना, तो दिक्कत कहाँ है बड़ी, दिक्कत कहाँ है। आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने जब स्टार्ट किया था, अगर आपकी जैसे मेरी थॉट रहती कि नहीं यार टॉप के अंदर सिर्फ पैसा कमाते तो मैं आज स्टार्ट ही नहीं करती, मैं आज आपसे बात ही नहीं कर रही होती, ऐसा सिस्टम नहीं है। सो गाइस इस तरीके से आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके देखो ना, रिजल्ट निकले ना तो कहना। और भी काफी सारे ऑब्जेक्शन है, लाइक पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, उसकी एक सीरीज है जो मैंने आप सभी के लिए बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप जाइए चेकआउट करिए। सो लव यू गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, कॉमेंट करना। जय हिंद गाइस।